नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण पाटीदार पटेल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये अमरूद का बगीचा है और अभी इसमें काफ़ी अच्छा फल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी इसमें जो फल पक रहे हैं, जो उसमें फल में अभी फल के जो कीड़े लग रहते हैं अंदर सड़ने के बाद जो कीड़े पड़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अभी मैं आपको पूरा बताऊँगा कि ये सड़ क्यों रहे हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये अमरूद का बगीचा है और काफ़ी पुराने पेड़ हैं। एक मेन समस्या ये हो रही है कि इसमें फल जो है सड़ रहे हैं और उस जो पके हुए फल को जब हम फाड़ के देखते हैं तो उसमें अंदर से कीड़े निकल रहे हैं। तो ये मेन समस्या है और इस बगीचे में काफ़ी अच्छा फल लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मैं आपको पूरी तरह से बगीचे का सैर कराऊँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इलाहाबादी अमरूद की वैरायटी है। दोस्तों, ये जो वैरायटी देख रहे हैं ये एक एकड़ में लगभग 40 क्विंटल इसका उत्पादन हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें जो फल मक्खी लगी हुई है, फल मक्खी की वजह से जो फलों में नुकसान हुआ है मैं आपको ढूंढ के बताऊँगा कि वो किस प्रकार से इसमें नुकसान हुआ है। काफ़ी बड़े पौधे हैं, ये देखिए चारों तरफ अंधेरा सा होने लगा है और लगभग इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई है। काफ़ी पुराने पौधे लग रहे हैं ये और इन्होंने जो है फल भी अच्छे लिए हुआ है। ये जो आप फल देख रहे हैं नीचे टपका हुआ गिरा हुआ, ये फल मक्खी की वजह से ही ख़राब हुआ है। फल मक्खी ने पहले तो इस पर डंक मारा और डंक मारने के बाद उसमें वो जो अपना जननांग है वो इसके अंदर प्रवेश करा देती है। अंडे डालने के बाद उसमें कुछ दिनों बाद लार्वा निकलता है और वो जो लार्वा होता है वो अंदर से उस फल को पूरी तरह से ख़राब कर देता है और वो अंदर से ख़राब होने के बाद वो नष्ट होके नीचे टपक जाता है। काफ़ी घना बगीचा है ये और मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ये जो आप देख रहे हैं नीचे फल टपके हुए हैं अमरूद के, ये सब फल मक्खी के डंक लगे हुए हैं और वो डंक लगने की वजह से इस सारे फल नीचे गिर गए हैं। ये जो फल देख रहे हैं आप, ये वाला, इसमें मक्खी ने डंक मार दिया है और डंक मारने के बाद उसने जो अपने अंडे रहते हैं उसको अंदर प्रवेश करवा दिए हैं और अंदर प्रवेश कराने के बाद वो जो फल है थोड़े टाइम में पूरी तरह से सड़ जाएगा और फिर नीचे टपक जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस मक्खी ने डंक कहाँ लगाया हुआ है। ये जो आप फल देख रहे हैं इसमें जो आप ये जो छेद देख रहे हैं बहुत बारीक है, देखने में दिक्कत आती है। ये रहा छेद, ये तो ये छेद है, तो जब इसको हम फोड़ के नीचे देखते हैं तो इसके नीचे कीड़े निकलेंगे। ये पूरी तरह से सड़ चुका है और ये फल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसा अगर नुकसान आपके बगीचे में 20-25% होता है तो आपको काफ़ी हद तक नुकसान ये मक्खी पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो मक्खी पकड़ने के जो ट्रैप आते हैं उस ट्रैप को आप लगाइए। ये एक फल और है, ये देख रहे हैं आप, ये जो मक्खी का दिए हुए अंडे से निकला हुआ लार्वा है, ये लार्वा देखिए आप देख रहे हैं इसमें, ये अभी अंदर से निकला है इस छेद में से और छेद में निकलने के बाद ये अंदर ही अंदर पूरे जो फल रहता है उसके गुदे को खा जाते हैं, ये फल पूरी तरह से बेकार कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले आपको ट्रैप लगाना होते हैं। किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाई का आप अगर स्प्रे करते हैं तो उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, जो ये जो फल मक्खी है इसका एक ही इलाज है, इसको हम किसी रासायनिक दवाई से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको हम किसी पाउडर या डस्ट से उड़ाकर मार सकते हैं। इसका एक ही समाधान है कि इसको पकड़ा जाए, तो वो तरीका बेस्ट है फ्लाई ट्रैप से।
ये जो ट्रेप आता है इसमें आप एक एकड़ में जो है आप लगभग 20 एक जो ट्रेप आते हैं वो लटका दीजिए। उसमें जो क्या होगा कि मादा मक्खी है वो उसमें फंस जाएगी, तो उसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो साइकिल वहीं रुक जाएगा और बगीचे में आपको नुकसान जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। बस इसका एक ही समाधान है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।